और एक वाई हीटर है बेटे, एक एक्स हीटर है और एक वाई हीटर है, 230 का वोल्ट दे रखा है, ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाता है तो एक्स के थ्रू जो करंट निकलता है ना, करंट एक्स हीटर के थ्रू करंट, वो है 3.5 एम्पियर, ये गिवन है हमें। अब कहता है अगर ऐसा हो, इतना करंट निकले, तो आपको बोलता क्या है, कह रहा है कि एनालाइज द सर्किट अबव एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन हीटर एक्स एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल देन दैट ऑफ वाई, व्हाट इज द करंट इन हीटर वाई। ध्यान से सुनना, एक तो वो पूछ रहा है एक्स में कितनी पावर है, ठीक है, एक वो पूछ रहा है अगर वाई को भी ऑन कर दिया जाए तो वाई में कितना करंट निकलेगा। एक एक साथ में कंडीशन दे रखी है कि एक्स का रेजिस्टेंस वाई के रेजिस्टेंस से डबल है, दुगना है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है, फिर से बताता हूं एक बार, सारे बच्चे इधर देखो, अरे बोर्ड की तरफ देखो यार, क्लास टीचर को ना देखो। 220 वोल्ट है, यहाँ एक्स हीटर है, यहाँ वाई हीटर है, दोनों पैरेलल में लगा दिए, दोनों का इंडिविजुअल स्विच है और 230 वोल्ट सप्लाई दे दो। देखो ये वाली सप्लाई इसको भी चलाएगी और ये इसको भी चलाएगी, दोनों हीटर पैरेलल में लगे हैं, इसलिए मेमोरी टूल पीवीएस के मुताबिक 220 वोल्ट एक्स को भी मिलेगा, 230 वोल्ट सॉरी 230 वोल्ट वाई को भी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। अब हम उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखो पहला पार्ट देखते हैं, शाबाश, सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, लेट्स मूव टू दी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है बेटे, कह रहा मेरे को पावर बताओ एक्स में, ये लो। हम जैसे ही पावर बताने लगे तो हमने पावर का फॉर्मूला चेक करा, हमारे को टीचर ने पावर का फार्मूला कराया वी आई, तो वोल्टेज जो एक्स को मिली और करंट जो एक्स में गया तो पावर एक्स में आ जाएगी। वोल्टेज कितनी मिली, यही मिली क्योंकि तो पैरेलल में लगे हैं, वही सारी की सारी वोल्टेज एक्स को मिल जाएगी। कितना लिखे, 230 वोल्ट। करंट कितना, ऑलरेडी दे रखे हैं हमें कैलकुलेट करके, 3.5 एम्पियर। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जितना भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, शाबाश, दूसरा पार्ट देखो। अब वो पूछ रहा है कि सेकेंड वाले में कितना करंट आएगा, सेकेंड वाले में कितना करंट आएगा जबकि सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस पहले वाले से आधा है, एक्स का रेजिस्टेंस वाई से डबल है। अब ध्यान से सुनो ये कैसे करेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है पार्ट, सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज पे योर अटेंशन। मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कैसे करना है पेपर में, लेकिन मेरे टीचर ने एक हिंट दिया था कि जब आपको कुछ ना पता लगे सॉल्यूशन वहां से शुरू कर दो जो आस्कड है। आस्कड क्या है, मेरे को करंट चाहिए वाई में, ओके। फिर मैंने सोचा यार करंट निकलता कैसे होता है, तब मेरे को याद आया करंट तो तभी निकलेगा जब ओम्स लॉ लगेगा, वोल्टेज भी चाहिए और इसका रेजिस्टेंस भी चाहिए। मैंने वोल्टेज लिख दिया वाई को और रेजिस्टेंस वाई का, फिर मैंने देखा इनमें से मेरे को पता क्या क्या है, मैंने देखा वोल्टेज तो मेरे को पता है, क्यों, जितनी वोल्टेज एक्स को मिलेगी उतनी ही वाई को मिलेगी, वाई क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं, पी वी एस, इसका मतलब वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, 230 मैंने पुट कर दिया और रेजिस्टेंस इन वाई लिखना पड़ेगा तब करंट आएगा। इसको डिवाइड करना है सारे बच्चे, ओम्स लॉ के मुताबिक वी अपॉन आर डिवाइड करना है इसको, ओके। अब एक बच्चा बोलता है कि सर आप नहीं कर सकते, मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता भाई, कह रहा है सर आपके पास रेजिस्टेंस वाई का है ही नहीं, दिया ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं, आप क्या करोगे आप। मैंने कहा वेट वेट वेट, रेजिस्टेंस नहीं दिया लेकिन इतना तो दिया हुआ है
वाई का रेजिस्टेंस, ये देखो इससे क्या पता लगेगा, वाई का रेजिस्टेंस एक्स से आधा है, टू को नीचे लाओ, वाई का रेजिस्टेंस एक्स के रेजिस्टेंस से आधा है, हाफ। कहता फिर भी आपने आर एक्स बाय टू पुट कर दिया, अगले स्टेप में आप टू ऊपर ले जाओगे, जब टू ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 460 और डिवाइडेड बाय आर एक्स, तो आपका करंट इन वाई आ गया सर। लेकिन आप देखने वाली बात है कि आपके पास आर एक्स तो अभी भी नहीं है, अब क्या करोगे आप? मैंने कहा बेटे उसका भी इलाज है, ध्यान से सुनो, आर एक्स मेरे पास नहीं है पर आर एक्स को भी तो मैं ओम्स लॉ ला के निकाल सकता हूं। कैसे सर? देखो, वोल्टेज ड्रॉप टू एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, ओम्स लॉ उस पे भी लगा दिया, यहां से पुट कर दूंगा। बच्चा कहता है सर यहां से भी अब तब पुट कर सकोगे अगर आपको आई एक्स भी पता हो वी एक्स भी पता हो। मैंने कहा दोनों ही पता है, ये पढ़ा आई एक्स 3.5 एम्पियर और ये पढ़ा वी एक्स। तो कहता ठीक है सर, 230 वोल्ट को और आई एक्स कितना 3.5 एम्पियर और आर एक्स आ गया, तो 3.5 को नीचे ले जाएंगे। यहां से जब आर एक्स को निकाल के यहां पुट करेंगे, व्हाट विल बी अवर फाइनल फॉर्मेट, तो ये वाला हमारा कितना बन जाएगा, आई वाई विल बी 460 डिवाइडेड बाय आर एक्स, आर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3.5, 3.5 ऊपर चला गया, 460 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 3.5, और गौर से देखो ये दोनों डबल पे कट जाते हैं, तो आई वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 एम्पियर। सभी बच्चे एक बार देखो बेटे, लिखो कम समझो ज्यादा, पहले अब्जॉर्ब करो इसको समझ आ रहा है या नहीं, फिर मैंने पूछना है बाद में। ओके, नाउ यू टेल मी बाय रेजिंग योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड बॉयज? बहुत बढ़िया, बॉय डाउन। एनीबॉडी हु हैज नॉट अंडरस्टूड प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। बहुत बढ़िया, तो हमें वाहेगुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए, लॉर्ड कृष्णा का, कि हमें उन्होंने इतना अच्छा ब्रेन दिया और हम क्वेश्चन को समझने में कामयाब हुए। वेरी नाइस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे एक बार, एट योर ऑन। टेंथ का फर्स्ट पार्ट, बेटे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टेंथ का फर्स्ट पार्ट क्या था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एल ए, तो टीचर ने आपको बताया था ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बिना और क्या बताया था, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, और क्या बताया था, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। और क्या एक काम आ सकता है, ध्यान से सुनो, ये भी फार्मूला काम आ सकता है, कभी कभी आपको ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया नहीं होता, दिया नहीं होता लेकिन उसका रेडियस दिया होता है, वायर का रेडियस दिया, तो ये सर्कल ही तो है, सर्कल का एरिया कितना होता है हमने पढ़ा हुआ है मेंसुरेशन के चैप्टर में, मैथ में, पाई आर स्क्वायर। आवाज सभी बच्चे देखो, इस तरह से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल के यहां पुट कर सकते हैं। गॉट इट? और एक बात बताना चाहूंगा, कंडक्टेंस की यूनिट होती है
साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर, एस आई ई एम ई एम, साइमन पर मीटर, सॉरी ये इसकी है बेटे कंडक्टिविटी की, साइमन पर मीटर। और कंडक्टेंस की क्या होती है, कंडक्टेंस की ओनली साइमन, साइमन यानी ओम की रिवर्स। साइमन का सिंबल क्या होता है, एस। ये था हमारा 10th का फर्स्ट 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन ए पार्ट, सभी बच्चे एक बार रीड करो, सभी बच्चे एक बार रीड करेंगे। देखो बेटे क्या बोल रहा है ए पार्ट में, कह रहा आर वन आर टू आर थ्री को तीनों को आप पैरेलल में लगाओ, फिर उसके बाद एक बैटरी लगाओ। लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर कहता है वोल्ट मीटर भी लगाओ और एम मीटर भी लगाओ, एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ये लो लगा दिया एम मीटर। और फिर कह रहा है एक ऑन ऑफ स्विच भी लगा दो, की लगा दो की, ये लो की भी लगा दिया, और इसको ये जोड़ दिया। फिर कह रहे हैं वोल्ट मीटर भी लगाओ, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ये बात याद रहे, वोल्ट मीटर कभी भी ऐसे लाइन में नहीं लगाना, वोल्ट मीटर को आपने ऐसे ऐसे डॉटेड दिखा के देखो वी लिख के यहां लगाना है आपने, ये देखो ऐसे लगाना है वोल्ट मीटर। ओके, हमने सर्कल ड्रा कर दिया जैसा उसने बोला था। बैटरी का लंबे वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाली नेगेटिव। एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, इस सर्किट में करंट दिखा देते हैं। करंट को आपने तब तक नहीं दिखाना जब तक ये की ऑफ है। अगर इसमें बटन को इसके इसके इस पॉइंट को नीचे को दबा दूं और दोनों वाले ये टच कर दूं आपस में, गैप ना हो, तब सर्किट क्लोज होगा। इस वक्त जो दिख रहा है वो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट नहीं फ्लो करता। मान लो मैंने इसको टच भी कर दिया, अब ये ऑन हो गया की, तो अब इसमें मैं करंट दिखा सकता हूं। जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है बैटरी के, उतना ही नेगेटिव पे एंटर करता है हमेशा बराबर। ये हमने सर्किट डायग्राम उसने पूछा था, हमने बना के दिखा दी। दूसरा वो क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने एक नेटवर्क बता रखा है, उसका रेजिस्टेंस निकालो। चलो 11th का बी पार्ट खुद सॉल्व करो सारे बच्चे, 11th का बी पार्ट, हरी अप, शाबाश। तब तक मैं भी करूंगा बोर्ड पर, आप 11th का बी पार्ट खुद सॉल्व करेंगे। शाबाश, किसी ने कैलकुलेट करा, देखो इसका सोल्यूशन करने लगा हूं अब मैं, बड़ा टाइम कम है। सोल्यूशन देखो सभी बच्चे, सबसे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस में, योर अटेंशन योर अटेंशन, ऐसे क्वेश्चंस में टर्मिनल्स के नाम देने हैं। टर्मिनल कौन सा होता है, जब वहां जहां वायर से वायर कनेक्ट हो, ये देखो ये टर्मिनल है, इसको आपने एक्स पॉइंट दे दिया, ये भी एक टर्मिनल है, इसको आपने वाई पॉइंट दे दिया। अब एक्स और वाई में देखो ध्यान से,
एक ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, एक नीचे से रेजिस्टेंस आ रहा है। ऊपर वाला 10 ओम है, नीचे वाला भी 10 ओम है, और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। इसका मतलब 1/RXY निकाल लो। RXY मतलब रेजिस्टेंस इन दी पैरेलल। पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा 1/R2 प्लस 1/R3। दोनों कितने हैं? 10 10 ओम है। 1/10 प्लस 1/10। आगे सॉल्व करेंगे 2 × 1/10 और सॉल्व करेंगे 1/5। अब रेसिप्रोकल लेना जरूरी है तभी RXY आएगा। RXY इज इक्वल टू 1/5 का रेसिप्रोकल 5 ओम। जब आपने पैरेलल वाले सर्किट का आंसर निकाल लिया, फिर आपने पूरा सर्किट नोट करके देखा कि ए से लेकर एक्स तक 5 ओम लगा है R1 के रूप में, एक्स से वाई तक ये भी 5 ओम लगा है, हमने अभी अभी कैलकुलेट करा, और वाई से लेकर बी तक वो भी 5 ओम लगा है। और गौर से देखो, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आगे, सीरीज सीरीज नेटवर्क हो गया। इसका मतलब आर से लेकर बी तक तीनों रेजिस्टेंस का टोटल बनेगा R1 प्लस RXY प्लस R, ये वाले का नाम है R4। R4 ऐड करा, 5 + 5 + 5 इक्वल टू कितना? 15 ओम। चेक करो, ये क्वेश्चन क्या था? एक ही क्वेश्चन में सीरीज का फार्मूला भी लग गया, पैरेलल का भी। ऑब्जर्व करो, देखो आपको समझ आया या नहीं। सबसे पहले टीचर ने क्या करा, जिन टर्मिनल्स के नाम नहीं दिए हुए थे क्वेश्चन में उनका नाम दिया, वहां पर निकाल लिया, फिर देखा कि ये तीनों सीरीज में बन जाएंगे। नाउ माई क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड 11th क्वेश्चन? यस और नो? भाई जो बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे ना लेफ्ट ना राइट, एक बच्चे का लेफ्ट खड़ा है बैठे हुए में से, राइट करना अगर समझ आ गया, उसने हाथ चेंज कर दिया। ओके, डाउन डाउन, शाबाश। रेज योर लेफ्ट हैंड इफ देर इज एनी डाउट। आई विल रिड्रेस योर डाउट इफ देर इज डाउट, रेज योर लेफ्ट हैंड। ओके, बहुत अच्छे, समझ लिया। इसको भी हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने से पहले एक बार हम ओवरव्यू करते हैं, देखो क्या क्या सीखा हमने। देखो बहुत सारी फोटो तो देखी है, मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूं, एक बार फास्ट रिव्यू कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, रीड इट।
सभी बच्चे बेटे, शाबाश। योर अटेंशन, इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं समझ आएगा। प्रॉब्लम, टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये B1 और B2 क्वेश्चन के मुताबिक। ओके, उसकी रेटिंग्स दे रखी हैं, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग। पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब है? इधर उधर मत देखो बेटे, आपका बोर्ड का एग्जाम है। व्हाई आर यू नॉट मेच्योर्ड? पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये होता है कि जिस मैन्युफैक्चरर ने ये बल्ब बनाया, मान लो फिलिप्स कंपनी का है, फिलिप्स कंपनी कहती है कि मेरा बल्ब जब जलेगा तो इतनी पावर कंज्यूम करेगा, और उसको जलने के लिए, प्रॉपर ग्लो करने के लिए इतनी वोल्टेज की सप्लाई देनी चाहिए। ये मतलब है, आपको इतनी वोल्टेज देनी चाहिए बैटरी से, और मेरा बल्ब इतनी पावर कंज्यूम करेगा बिजली की। ऐसे दूसरे बल्ब की रेटिंग्स दे रखी है, और दोनों को पैरेलल में लगा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैटरी लगा दिया, वी सप्लाई 220 वोल्ट, और इसमें कितना करंट निकलेगा? I2 और I1। बल्ब वन में कितना करंट होगा? ये दोनों हमने बताने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यस और नो बेटे? क्वेश्चन अंडरस्टूड और नॉट? ओके, अब हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। योर अटेंशन, पहले I1 पे बात करते हैं। मान लो मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करना है कैसे नहीं, लेकिन मेरे को एक टीचर की बात याद आ गई। सर ने बोला था अगर कुछ समझ में ना आए तो शुरुआत वहां से कर दो जो आस्कड है। तो मैं चलने लगा हूं सोल्यूशन। सोल्यूशन में I1 पूछा है, मैंने I1 ही लिख लिया। अब मैं I1 निकालूं कैसे? मेरे दिमाग में आता है करंट निकालना है, ज्यादातर करके सर ओहम्स लॉ लगाते होते थे, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पता ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR1, IR, क्योंकि मैं बल्ब पहले पे लगा रहा हूं, तो मैं V1 इज इक्वल टू I1 R1 ले लेता हूं। तो I1 कहां से आएगा? V1 को अगर मैं R1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास करंट आ जाएगा, और मेरे मार्क्स ना कट जाएं तो मैं ऊपर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ये लिख दिया मैंने। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि मैं इनमें से कौन सा डाटा पुट कर सकता हूं। मैंने देखा इसको कितनी वोल्टेज मिली, ये V1 जो होता है ना, सप्लाई वोल्टेज होता है, ये सप्लाई वोल्टेज ये हो गया 220। रेटेड वोल्टेज मत लिख देना यहां पर। कोई बच्चा कहता है सर लिख भी दें तो क्या हो गया, ये भी तो 220 है, ये भी 220 है, वो तो बाय चांस इस क्वेश्चन में सेम है। अगर यहां पर 120 वोल्ट होता है सप्लाई रेटेड वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट हो, तो यहां पर सप्लाई वाला लेना होता है। देखो वही वोल्टेज वी बल्ब V1 को मिल गई, वही V2 को मिल गई, दोनों पैरलर में है, और मेमोरी टूल क्या होता है? PVS, पैरलर में सप्लाई वोल्टेज सेम होगी, तो इसका मतलब V1 की जगह मैं ये वाला लिख दूं, V सप्लाई अपॉन R1। V सप्लाई कितना पुट कर दूंगा बेटे? 220 अपॉन R1। अब मैंने R1 को पुट करने लगा, मैं वहां पर गया R1 की वैल्यू ढूंढने लग गया, पहले मैं ये पुट करने लगा, फिर मेरे को अचानक याद आया वाट है ये, तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम होती है, ओम, ये रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। फिर मैं ये पुट करने लगा, ये तो वोल्ट है इसकी यूनिट, मेरे को याद आया वोल्ट नहीं होती रेजिस्टेंस की यूनिट, इसकी तो ओम होती है, तो मेरे पास तो R1 की वैल्यू ही नहीं है। तो मैं क्या करा, मैं क्या करा और सोचा कि मेरे पास इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? मेरे पास उसकी पावर रेटिंग है। मैं क्या कैसे पता है? क्योंकि 100 वाट, वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की। मेरे पास उसकी वोल्टेज रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? 220 वोल्ट, मैन्युफैक्चरर ने बताया। तो मेरे को चाहिए क्या यहां पर? मेरे को तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूं? रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो मैंने अपना पावर का फार्मूला याद करने की कोशिश करी। पावर होता है V1 इंटू I1, ठीक है? तो इसको आप
एक और फार्मूला, क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस तो इसमें कहीं नहीं आया, ये वाला फार्मूला हमें मदद नहीं करेगा। फिर हम इसमें ओम्स लॉ पुट करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है? वी वन आई वन आर वन, जैसे ही मैंने आई वन पुट करा तो ये बन जाएगा वी वन का स्क्वायर अपॉन आर वन। यहां से मेरे को समझ आता है क्या कि मेरे को अगर वी वन का मैं यहां स्क्वायर पुट कर दूं और डिवाइडेड बाय आर वन कर दूं, तो ये वाले फार्मूले का मैंने डाटा पुट कर दिया। डाटा पुट करने से मेरे को तो आर वन चाहिए, आर वन को ऊपर ले जाओ इसको नीचे, तो आर वन कितना आ गया? 220/100। 220 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आर वन निकल गया, यहां पुट कर दो तो आई वन कितना हो गया बेटे? आई वन इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय आर वन। आर वन खुद कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन 100। सॉल्व करो, आई वन इज इक्वल टू 220, 220, 220 और 100 गया ऊपर, आगे कितना आ गया आई वन? ये बन गया 10/22, मतलब 5/11 एम्पियर। बोलो समझ आया ये वाला आई वन वाला? बिल्कुल ऑन द सेम टर्म्स आपने आई टू करना है। शाबाश, आई टू के अंदर बस पावर में 100 की बजाय आपने 60 लिखना है बस, बाकी सारा ऐसे ही सॉल्व करना। ओके, हैव यू अंडरस्टूड बेटे? यस और नो? राइट, रेज योर राइट हैंड। ओके ओके, शाबाश। डाउन, किसी बच्चे को डाउट हो तो लेफ्ट हैंड खड़ा करो। एक बच्चे को डाउट है, शाबाश, ये मेरा बच्चा अपना है, देखो कैसे एकदम से बता दिया। बेटे आपको इतना सेक्शन समझ आया, आपने यस और नो बोलना है। अगर यस है तो राइट हैंड, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप माइक कैमरे में आ नहीं रहे फोटो। हाँ और हो जाओ, थोड़ा सा और हो जाओ, थोड़ा सा और हो जाओ बेटे। अब मेरे को बताओ इतनी ब्रैकेट समझ आई या नहीं? इतनी आ गई। दूसरा, आपको आर वन की वैल्यू पुट करना नहीं समझ आया, यही है ना प्रॉब्लम? अब सुनो फिर, असली में प्रॉब्लम आपको जो आई है वो आपको पावर के सारे फार्मूले नहीं पता। पावर का एक फार्मूला होता है वी आई, पावर का दूसरा फार्मूला होता है वी स्क्वेयर अपॉन आर, पावर का तीसरा फार्मूला होता है आई स्क्वेयर इंटू आर। नोट कर लो जिनको नहीं पता। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये सेकंड वाला पावर का फार्मूला काम आ गया। देखो पहले वाला क्यों नहीं काम आया? क्यों? मेरे को ये वाला आई आई वन नहीं चाहिए मेरे को, नहीं ये तो ड्राइंग करंट आ जाएगा, हमें चाहिए सप्लाई करंट। ठीक है, तो आप इतने पोर्शन को छोड़ के डायरेक्ट पावर का ये याद कर लो। चलो पी वन, देखो वी वन अपॉन आर स्क्वायर, इसको छोड़ दो बीच में से, इसको हमने नोट कर लिया P इज इक्वल टू दिस। तो डायरेक्ट ये फार्मूले आपको तीनों याद होने चाहिए, फिर ये डाटा भर दिया यहां से देख के। यहां से देख के भरना है कैसे? वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की, लगा दिया। वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज की, ये भी लिख दिया। देखो स्केयर क्यों करा? क्योंकि फार्मूले में स्केयर, यहाँ आर वन, इनकी क्रॉस पोजिशनिंग करी है इधर ये इधर। सॉल्व कर दिया बेटे इसको, ये सॉल्व कर दिया, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दिया, फिर यहां पुट कर दिया। अब क्लियर है? ये आई वन जो आर वन निकल रहा है, मैंने देखो इसका एरो कहां जा रहा है, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, यहां पुट कर दिया। यहां पर पुट करने के बाद इसी से मैंने ये वाला लिंक बनाया आई वन। बोलो अब समझ आ गया बेटे? यस, शाबाश, गुड गुड गुड। मूव टू दी 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी पढ़ो 13 क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है अगर आपने तीन रेजिस्टर ले लिए, तीनों के तीनों 6 ओम के हैं और टोटल रेजिस्टेंस 9 होना चाहिए, आप सर्किट बना के दिखाओ। देखो 6 ओम 6 ओम एंड 6 ओम, तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास बराबर बराबर के वैल्यू के, और इसको आर वन कह देते हैं, इसको आर टू कह देते हैं, इसको आर थ्री कह देते हैं,
और हमने एक सर्किट बनाना है, सर्किट का रेजिस्टेंस होना चाहिए 9 ओम। सर्किट कैसे बनेगा? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन को साइड पे रख दो, क्वेश्चन को साइड पे रख दो। पहले कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हों बहुत सारे एक ही जैसे, तब उनको ऐड करेंगे 1/R, 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 ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे। मान लो ये टोटल कितने रेजिस्टेंसेस हैं, एन रेजिस्टेंस है एन, तो ओवरऑल सॉल्व करके कितना बनेगा, एन इंटू 1/R। तो रेसिप्रोकल ले लो दोनों तरफ, तो आर पैरेलल इज इक्वल टू आर अपॉन एन आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, टीचर ये सिखाना चाहता है अगर बराबर की वैल्यू के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हों तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो निकलेगा सर्किट में वो किसी एक रेजिस्टेंस का nth टाइम्स लेसर होएगा। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, और अगर यही रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते, आर सीरीज, कलर चेंज कर लेते हैं, आर सीरीज, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस ऐसे करते 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 एन टाइम्स, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता, एन इंटू आर। यहां तक ये कॉन्सेप्ट था, यहां तक क्या था, कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ वापिस। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। मेरे दिमाग में आता है अगर मैं 3 में से 2 रेजिस्टेंस ले लूं, 2, तो मेरे को उनको पैरेलल में जोड़ दूं तो मेरे को पूरे रेजिस्टेंस को, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया और इनको पैरेलल में जोड़ दिया, इधर पॉइंट एक्स लगा दिया, इधर पॉइंट वाई लगा दिया, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। अगर मैंने सॉल्व करना होता आर एक्स वाई, तो 1/ करो, ठीक, 1 मिनट बेटे, तार हिल गया जरा। सभी बच्चे रिवाइज करो, इतने डॉट वेस्ट टाइम। स्टोरेज वाला रहेगा, उड़ेगा नहीं, रहेगा। तो इस क्वेश्चन में टीचर ने 6 और 6 ओम को पैरेलल में लगाया था, तो पैरेलल में लगाया था, कितने रेजिस्टेंस लिए थे, 2, तो आंसर क्या बनना चाहिए, 6 का हाफ, ठीक है। 3 ओम आंसर आ रहा है सर, और अगर वो एक बैलर में हो जाएगा तो 3 ओम आ रहा है, फिर हम उसे सीरीज में कनेक्ट कर वो 9 ओम आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो 6 ओम और 6 ओम, इस पॉइंट को टीचर ने एक्स बोला, इसको वाई बोला, तो 1/RXY निकालेंगे, 1/6 प्लस 1/6, तो ये बन गया 2/1/6, ये बन गया 1/3, तो RXY हो गया 3 ओम, ठीक है, क्योंकि ये 1/3 हो गया। और अगर इसके साथ में एक और 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा लूं जेड तक, तो वो सीरीज में आ जाएगा, तो RXZ कितना हो गया, RXZ कितना हो जाएगा बेटे, आर एक्स वाई प्लस आर वाई जेड, मतलब 3 ओम प्लस 6 ओम, जैसे इस गुड़िया ने बताया, प्यारी सी गुड़िया जो बोल रही थी, 9 ओम, 9 ओम हमारा आंसर आ गया। 2 रेजिस्टेंस ही सीरीज में, 1 पैरेलल में। बोलो समझ आया, यस और नो, रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड इफ यू अंडरस्टूड, ओके डाउन, रेज योर लेफ्ट हैंड इफ यू हैव नॉट, ओके। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, 14 पे, 14 में हमें सर्किट दे रखा है और पावर कंज्यूम्ड इन 2 ओम बतानी है हमने, 14, 2 ओम, 14 क्वेश्चन।
अनदर टू ओम, और नीचे बैटरी कितनी दे रखी है? 6 वोल्ट। ये सर्किट है बेटे, तो पावर कंज्यूम्ड इनटू 2 ओम रेजिस्टेंस क्वेश्चन मार्क है। ओके ध्यान से सुनो, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? योर अटेंशन, पावर इज इक्वल टू वी आई, क्या तो ये होता है, या फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वेयर अपॉन आर, या फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वेयर इनटू आर। ये तीन होते हैं। तो जब मैं 2 ओम के क्रॉस रेजिस्टेंस पावर निकालना है, योर अटेंशन, ध्यान से देखो, तो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो बच्चे, मैंने रेजिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास आर तो है। मैं ये वाला नहीं यूज करूंगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस के पुट करने की जगह ही नहीं है। या मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगा। मान लो मैंने नीचे वाला कर दिया, आई स्क्वेयर आर इंटू, ये आ गया, तो आई स्क्वेयर को रख दिया ऐसे ही, आर की वैल्यू 2 ओम पुट कर दी। एक बच्चा कहेगा सर फिर भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कितना करंट जा रहा है आपको पता ही नहीं। तभी मैंने उसको बोला बेटे डॉट वरी, करंट मैं आसानी से निकाल सकता हूं ओम्स लॉ के मुताबिक। वो कह रहा है कैसे? मैं कहूंगा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर सर्किट, वी को कितना पुट करूंगा? 6 वोल्ट। आई मैं निकालना चाहता हूं, आर सर्किट 2+2 दोनों सीरीज में है, 2+2 4 ओम हो गया। तो यहां से सॉल्व करके मेरे पास आई कितना आ जाएगा? 6/4, यानी कि 3/2 एम्पियर। ये करंट पूरे सर्किट में जाएगा, पर जो इस सर्किट में करंट जाएगा वो इसमें तो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी टूल SIS दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में करंट सेम, पर हमने इसमें पावर ड्रॉप पावर निकालनी है, तो टोटल करंट को इसमें से गुजरने वाले करंट को भी मान लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ये जो हमने इधर से करंट निकाला है उसको यहां पुट कर देंगे। कहां से निकाला? ये देखो निकाला, यहां पुट कर दो। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर 3/2 का स्क्वेयर इंटू ये वाला 2, तो पावर कितना आ गया? 9/4 × 2, तो पावर कितना हो गया? 4.5 वाट। एब्जॉर्ब करो एक बार, मैंने पूछना है। एक बच्चा कहता सर इन दोनों में से आपने नीचे वाला क्यों यूज करा है? इससे भी तो सॉल्व कर सकते थे, यस उससे भी सॉल्व कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। सर आपने टॉप वाला क्यों नहीं यूज करा फॉर्मूला? बट टॉप वाला यूज करने से मैं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कहां पुट करता? आर की जगह ही नहीं है। ओके तो जो मेरे को डाटा दिया हुआ है उसके मुताबिक तो मैं पिकअप करूंगा फॉर्मूला। नाउ माई क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड 14th क्वेश्चन और नॉट? रेज योर राइट हैंड इफ यस बेटे, प्लीज रेस्पॉन्ड क्विकली डाउन। जिसका नहीं समझ आया उसको लेफ्ट हैंड खड़ा करो, लेफ्ट हैंड। एक बच्चे को नहीं आया, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, एज ए टीचर मेरी ड्यूटी बनती है दोबारा। 6 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी ने यहां पर 2 ओम के रेजिस्टेंस पर कितनी पावर कंज्यूम करवाई वो निकालनी है हमने। तो पावर का फार्मूले 3 होते हैं, 1 2 3। मैंने ऐसा फार्मूला यूज करा जिसमें रेजिस्टेंस है ताकि रेजिस्टेंस की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकूं, तो मैंने 2 ओम वो पुट कर दिया। तो भी बच्चे कहते हैं सर आप नहीं कैलकुलेट करोगे क्योंकि इसमें से जाने वाला करंट तो आपको अभी भी नहीं पता। तो मैंने कहा उस करंट को मैं निकाल के ला सकता हूं, कहां से? ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से करूंगा। ओम्स लॉ क्या होता है? वी इज इक्वल टू आई आर। V कितना पुट करूंगा बैटरी का? 6 वोल्ट। I मेरे को निकाल के यहां पर पुट करना है I, लेकिन R कितना है? R सर्किट का R कितना है? दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, सीरीज में ऐड हो जाते हैं, 2+2 4 हो गया, तो 6 इज इक्वल टू 4 I। तो यहां से I कितना आ जाएगा? ये देखो 6/4, सॉल्व करो 3/2,
3/2 को यहां लिखा, लेकिन स्केयर भी है, देखो स्केयर भी है, 9/4 सॉल्व हो गया। अब वही बच्चा हाथ खड़ा करे दोबारा, यस और नो? शाबाश, गुड। लेट्स मूव टू दी 15th क्वेश्चन, हरी अप। 15th, क्वेश्चन का ए पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 15th का ए कर दिया हम। बी पार्ट, बी पार्ट करते हैं अभी। सी पार्ट, पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक ओवन है। 15th का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, ध्यान से देखो सभी बच्चे। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 40 वोल्ट। देखो हीट जनरेट करना है, ध्यान से सुनो। टीचर ने हीट का क्या फार्मूला कराया? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी कराया बेटे, ठीक है? अब टीचर से कहता है कि हम धीरे धीरे देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें उसने टाइम दे रखा है 2 आवर्स, 2 आवर्स, आवर्स में नहीं कभी भी पुट करते टाइम। 2 इंटू, बोर्ड खराब हो गया, 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, इतना टाइम पुट करेंगे, ओके? फिर हमें करंट भी तो पुट करना है। करंट, करंट क्या होता है हमेशा, ध्यान से सुनो, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट, चार्ज कितना है? 9600 कूलम। टाइम कितना? 2 इंटू 60 इंटू 60, कितने एम्पियर करंट हो गया। यानी करंट भी पुट कर देंगे जब भी चाहिए होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ध्यान से सुना, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई को यहां पुट कर दो, वोल्टेज उसने 40 वोल्ट दे रखा है। करंट को कितना? 9600 टू इंटू 60 इंटू 60, यहां से आर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आर? 40 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 40 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 9600। एक बार हमारे पास आर आ गया तो आर को भी यहां पुट कर देंगे। फिर से देखो कौन सा एरो कहां जा रहा है, टीचर ने कौन सा फार्मूला यूज करा? आई स्क्वायर आर टी, जाउल्स लॉ। फिर टीचर ने देखा मेरे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, टाइम, ये पड़ा टाइम, टी पुट कर दिया इतना। फिर टीचर ने देखा मेरे पास करंट है, करंट डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन मैं निकाल सकता हूं। फिर टीचर ने देखा मेरे पास तो रेजिस्टेंस भी नहीं है, फिर उसने ओम्स लॉ लगा दिया, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस आ गया, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका हीट जो भी निकलेगा वो कौन से यूनिट में निकलेगा? जूल में निकलेगा। कैलकुलेशंस आप खुद करना। आप मेरे को ये बताओ कि आपको इसका प्रोसीजर समझ आ गया या नो? यस और नो? रेज योर राइट हैंड इफ यस। बैठे हुए बच्चों में से सेकंड लास्ट बच्चा या तो लेफ्ट हैंड खड़ा करे या तो राइट, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसका लेफ्ट या राइट में से एक भी हाथ ना करे। डाउन, शाबाश शाबाश, लेफ्ट हैंड बेटे, लेफ्ट हैंड जिसको ना पता लगाओ। सो एवरीबॉडी गॉट इट, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसी में आपका 15th का सी पार्ट है। 15th का सी पार्ट, पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज दिस, लास्ट क्वेश्चन दोबारा से, इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो। कौन सा होते हैं? कौन सा?
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ये ओके बी पार्ट, 15 का बी पार्ट। ओके, लो द्वारा इधर सुनो। शाबाश, क्या आपको यह फार्मूला पता है हीट का? आई स्क्वायर आर टी। आपका आंसर आना चाहिए यस सर, जाऊला होता है। यस, फिर मैं करंट को निकालूंगा, ऐसे देखो, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। फिर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू आई आर। यहां से आर को पुट करूंगा। मान लो हम पहले पुट्टी कर देते हैं, जो पुट करेंगे तो हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। हीट का बन जाएगा क्यू बाय टी का स्क्वायर, ये करंट की जगह पुट कर दी। आर कितना आएगा बेटे, यहां से वोल्टेज अपॉन करंट पुट कर देते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट इनटू क्या आएगा, टाइम एज इट इज। हो गया इतना। अब हम देखते हैं क्या हमें सारी चीजें पता है। करंट पता है 9600, टाइम पता है यस 2 आवर्स के सेकंड बना दिए, 2 × 60 × 60 स्क्वायर कर दिया। वोल्टेज पता है क्या हमें, यस 40 वोल्ट। ओके तो मेरे को क्या करंट पता है? हाँ जी, करंट ऐसे पुट कर देंगे, करंट को क्या पुट कर देंगे, चार्ज अपॉन टाइम कर देंगे। चार्ज अपॉन टाइम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो करंट पुट कर देंगे। यहां पर टाइम फिर से पुट कर देंगे, कितना, 2 × 60 × 60। बस कैलकुलेशंस खुद कर लेना। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चाहे पहले पुट कर लो, उसमें कुछ ही बात नहीं है, चाहे बाद में कैलकुलेशंस करके बाद में पुट कर लो। ओके, कैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सी, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज इक्वल टू दिस इफ इट इज यूज्ड इन द डोमेस्टिक सर्किट। बेटे पावर रेटिंग इतनी है, देखो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट, पावर रेटिंग 2 किलो वाट, मतलब के 2000 वाट हो गया, किलो के वाट बना दिए, किलो वाट पावर। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, वॉट इट। अब करंट कितना बनेगा, P इज इक्वल टू वी आई, इसको यहां पुट करो, पावर को यहां पुट करो, 2000 220 × I। I कितना आ गया, 200 / 220 एम्पियर। अब सॉल्व करके देखो, ये 10 एम्पियर से कम आएगा, less than 10 एम्पियर, यस या नो। अब टीचर ने आपको क्या सिखाया था शुरू शुरू में, कि आपके घरों में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी एक डिवाइस होती है, बोला था ना, जिसको क्या बोलते हैं, सॉकेट। घरों में छोटे वाली की करंट हैंडलिंग कितनी होती है, 5 एम्पियर। एक पावर सॉकेट होती है बड़े वाली, उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 15 एम्पियर। और हमारे को कितना करंट चाहिए, less than 10 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये जो भी हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है, ओवन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ओवन, वो 10 एम्पियर खींचेगा करंट, हमारे घर की सॉकेट 15 एम्पियर हैंडल कर सकती है। इधर बात कर लो, इधर बैठे, इधर इधर देखो टीचर की तरफ, तो 15 एम्पियर हैंडल करती है। इसका मतलब है ये वाला इलेक्ट्रिक ओवन घर में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी करंट की डिमांड कितनी है, 10 एम्पियर। अगर ये करंट की डिमांड 15 एम्पियर से ज्यादा होती, तो हम ये कहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक ओवन को फैक्ट्री में तो यूज कर सकते हैं, घरों में यूज नहीं कर सकते। अगर घरों में करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक वायर को, वायरिंग को, घर की वायरिंग को जला सकता है, फ्यूज फ्यूज वायर को जला सकता है, ट्रिप स्विच को बार बार ऑफ करी जाएगा। बोलो समझ आया आपको 15th का सी, यस और नो। बॉयज को, बॉयज बॉयज, कुछ बच्चों के दोनों हाथ नहीं खड़े, मैम उनको ना प्लीज आप मेरी क्लास में ना बैठने दो, जिनका दोनों में से कोई भी हाथ नहीं खड़ा,
लेफ्ट नॉर राइट, एक तो खड़ा करना ही है आपने। मैं बोलने लगा हूं अब कौन से बच्चे हैं। मैं भी ये सरदार बच्चा देखो आपके अगले बेंच पर, इसका कोई भी हाथ नहीं खड़ा लेफ्ट या राइट, इसको हक ही नहीं है मेरी क्लास में बैठने का। ओके डाउन। अब वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको नहीं समझ आया, ऑनेस्टली लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। ओके, तो ये आसानी था। बच्चे ने देखा सर ने करंट हैंडलिंग कैपेसिटी निकाल ली गियर ओवन की और वो 10 एम्पियर निकली। घरों की जो डोमेस्टिक सॉकेट होती है, डोमेस्टिक सॉकेट, उसकी मैक्सिमम करंट हैंडलिंग कितनी होती है पावर सॉकेट की? 15 एम्पियर। क्योंकि हमारी डिमांडिंग करंट ओवन के द्वारा 10 एम्पियर 15 एम्पियर से कम है, इसलिए इस ओवन को हम घरों में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप। क्वेश्चन 16, 2/10 सर्किट देखो। इसका पहला पार्ट ये है कि ये जो आपने बल्ब लगाए हैं ये सीरीज में लगाए हैं या पैरेलल में लगाए हैं? पैरेलल में। फर्स्ट पार्ट, बल्ब्स आर इन पैरेलल। दूसरा पार्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर आंसर। ये पैरेलल में क्यों है? गौर से देखो बेटे, आप कहोगे ध्यान से सुनो, आप कहोगे सर ये जो बल्ब है ना आपका, ये वाला 3 एम्पियर वाला ए, इसका एक किनारा इधर बैटरी से लगा है, दूसरा किनारा भी बैटरी से लगा है, 60 वोल्ट से लगा हुआ है। मैंने कहा गुड। कहता दूसरा बल्ब भी देखो, दूसरा बल्ब है ना जो बी वाला 4 एम्पियर वाला, उसका भी एक किनारा इसी बैटरी से लगा है, उसका भी एक किनारा इसी बैटरी से लगा है। जब जब दोनों किनारे, दोनों टर्मिनल्स हर लेंस के सेम बैटरी से लगते जाएं तो वो पैरेलल में होते हैं। तो हमने आंसर दे दिया व्हाई दीज लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका थर्ड पार्ट, एक्सप्लेन द प्रॉपर कैलकुलेशंस विच लैंप ग्लोज दी ब्राइटेस्ट, विच लैंप ग्लोज दी ब्राइटेस्ट। ध्यान से सुना, योर अटेंशन। आप सभी को पता है ना एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, जब हीट पैदा होती है हीट तो साथ में रोशनी भी पैदा होती है, रोशनी भी। यस, तो जब हमने स्विच को ऑन करा सभी को टाइम बराबर मिलेगा सारे बल्बों को, और जिसके पास करंट ज्यादा होगा वो वाला बल्ब ज्यादा रोशनी खींचेगा। सी बल्ब के पास देखो कितनी डिमांड कर रहा है, सी बल्ब फिगर में देखो, फिगर में बताओ सी बल्ब कितनी डिमांड कर रहा है? 5 एम्पियर। बस फिर वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। आया समझ? अब इसी क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, 16th का फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस बताओ सर्किट का रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो, अब आप कहोगे सर रेजिस्टेंस सर्किट का पैरेलल में ऐसे निकलता है, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन चलो जाते, वन अपॉन आर थ्री, वन अपॉन आर फोर। तो बच्चा कहेगा सर आपके पास रेजिस्टेंस है तो है नहीं, कैसे कैलकुलेट करोगे? इधर देख लो, इधर बैठे फ्रंट पे देखो। कुछ बच्चे सारा लेक्चर छोड़ के साइडों पे पता नहीं क्यों देखते हैं, कब मैच्योर हो गए? फ्रंट पे देखो शाबाश, चारों रेजिस्टेंस की वैल्यूज पता होनी चाहिए। कैसे निकालने चारों रेजिस्टेंस की? बड़ा आसान है, वी वन इज इक्वल टू आई वन आर वन। वी वन हमें दे रखा है कैसे, 60 वोल्ट। आई वन दे रखा है 3 एम्पियर। आर वन कैलकुलेट कर लो, आर वन कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 3 20। आऊ आर वन की वैल्यू यहां पुट कर दो, कितना हो गया 1/20। करेक्ट है, ऐसे ही बाकी भी निकाल लेंगे। दूसरे वाला कितना हो जाएगा, दूसरे वाला बेटे आर टू, उसमें क्या है वी अपॉन आई टू, वी कितना पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है 60 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो गया 15 एम्पियर, 1/15 लिख देंगे।
ऐसे ही आर थ्री निकाल देंगे। आर थ्री कितना आएगा? आर थ्री निकालने के वी अपॉन आई थ्री, वी कितना 16, आई थ्री कितना है 5 एम्पियर, तो कितना हो गया 12 ओम। यहां पर 12 ओम पुट कर देंगे। आर फोर कितना हो गया बेटे? वो भी हमारा 20 आ गया। बस इसको सॉल्व कर देना है एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम लेना आता है आपको? जूनियर क्लासेस में सीखा था कि नहीं? किसी बच्चे को एलसीएम नहीं लेना आता भाई? रेज योर राइट हैंड इफ यू नो हाउ टू टेक एलसीएम। तो लगभग आधे बच्चों को एलसीएम लेना आता है। गुड, एलसीएम लेना चाहिए, मैथ में आना चाहिए, आपको 7th क्लास तक आ जाना चाहिए था एलसीएम। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 16th क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? यस और नो? शाबाश बेटे, अच्छे से हाथ खड़ा करो क्योंकि मैंने सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट छोड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू दी 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ो सारे बच्चे, पढ़ो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी मैम, सर कैन वी हैव ब्रेक फॉर 5 to 10 मिनट्स? एक्चुअली दे वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम्स एंड ऑल। सर इनको ब्रेक तो दे दो 5 मिनट्स की, लेकिन प्लीज इंश्योर करो कि वो 5 मिनट ही हो, एक्सटेंड ना हो जाए। ओके श्योर सर, श्योर मैं वेट कर रहा हूँ फिर, है ना। सर।